अब तक क्या क्या पढ़ लिया हम लोगों ने? अब तक हम लोगों ने गुडविल की कैलकुलेशन पढ़ ली, और ये पढ़ लिया कि अगर रेशियो चेंज होता है, रेशियो चेंज होता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? अगर रेशियो चेंज होता है तो जर्नल एंट्री क्या होती है? ये भी हमने पढ़ लिया, गुडविल पढ़ ली, उसकी कैलकुलेशन पढ़ ली, और रेशियो चेंज होता है तो उसकी जर्नल एंट्री क्या होती है, ये भी हमने पढ़ लिया। ठीक है, एक बीच में क्वेश्चन आ रहा था जो मैंने आप लोग को दिया था करने के लिए, उसमें से एक होमवर्क है क्वेश्चन नंबर 21। ठीक है, उसकी मैं PDF फाइल बना करके आप लोग को दे दूंगा, उसके लिए ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक छोटा सा क्वेश्चन है, उसमें एक रेशो वाला पंगा पड़ रहा था कि रेशो का क्या करना है, और क्योंकि अभी तक मैंने आप लोग को रेशो का वो बातें नहीं सिखाई है, इसलिए वो क्वेश्चन को इतना पैनिक मत होना, उस क्वेश्चन का मैं PDF फाइल बना करके दे दूंगा, और आने वाले समय में और भी वीडियोस में आपके धीरे धीरे वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। आज हम एक नई बात सीखते हैं, हम गुडविल के साथ साथ दो और बातें सीखते हैं जर्नल एंट्री के लिए। गुडविल के साथ साथ दो और बातें सीखते हैं जर्नल एंट्री के लिए, वो क्या क्या है सर? बता रहा हूँ, इतनी पैनिक क्यों होते हो तुम लोग, बहुत जल्दी घबरा जाते हो। देखिए, एक तो हमें सीखना है वर्कमैन कंपनसेशन सेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के बारे में, इसकी जनरल एंट्री समझनी है हमें, और एक बात हमें समझना है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या पढ़ना है? इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये दो बातों की जनरल एंट्री समझनी है हमें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। देखिए, अगर मैं जनरल बातें करूं, अगर मैं साधारण सी बात करूं, तो ये कुछ भी नहीं है। होता क्या है, देखिए डिसोल्यूशन की बात हम नहीं कर रहे हैं, मैंने कल ही बता दिया था कि चाहे वो गुडविल की जनरल एंट्री हम कर रहे हों, चाहे आज जो हम ये दो टॉपिक बता रहे हैं आप लोग को, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इसकी जनरल एंट्री हो, हम डिसोल्यूशन की बात नहीं कर रहे। डिसोल्यूशन के अलावा हम आगे की बात कर रहे हैं, अगर फर्म डिसॉल्व हो जाएगा जब तो हम इसकी जनरल एंट्री किसी और तरीके से रियलाइजेशन अकाउंट में करते हैं, तीनों की, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को कैपिटल अकाउंट में मारते हैं, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या होता है, अगर बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी दिया हो और इन्वेस्टमेंट भी दिया हो तो हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को क्या करते थे, हम रियलाइजेशन अकाउंट के डेबिट की क्रेडिट की तरफ भी दिखा देते थे, और गुडविल को हम डेबिट की तरफ दिखा करके इसको रियलाइज कर देते थे। ये तो फर्म डिसोल्यूशन में करते थे, हम फर्म डिसोल्यूशन को नहीं पढ़ रहे, हम फर्म डिसोल्यूशन के अलावा बाकी सब चीज़ों के लिए पढ़ रहे हैं कि गुडविल होगा तो उसके रेशियो चेंज होने पे क्या जनरल एंट्री होगी, ये जो कि हमने सीख लिया है। आज हम दो बातें सीखेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। क्या क्या? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या करते हैं हम? तो देखिए, जनरली दोनों को ही हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। किसमें बांटते हैं? इन दोनों को हम सबसे पहले बता दें ओल्ड रेशियो में। किस में बांटते हैं हम? ओल्ड रेशियो में। किस चीज में बांटेंगे हम? कैपिटल अकाउंट में। किस में बांटेंगे हम? कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, पहली बात ओल्ड रेशियो में बांटनी है, दूसरी बात कैपिटल अकाउंट में बांटनी है। ठीक है, अच्छा कैसे बांटनी है, कैसे बांटने हैं? तो देखिए, एंट्री देखिए इसकी, जर्नल एंट्री सिंपल है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व यानी WCR लिखा है, WCR का पूरा पूरा फॉर्म हो गया वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, आप लोग पूरा पूरा लिखिएगा वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, या मैं लिखूंगा IFF, इसका मतलब होगा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, आप पूरा पूरा लिखिएगा। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व
अकाउंट डेबिट, ऐसे करें, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ऐसे ही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब जितने भी पार्टनर्स कैपिटल, अगर दो पार्टनर होंगे तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। मान लीजिए तीन पार्टनर हैं ए बी सी, तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट टू सी कैपिटल अकाउंट। किस रेशियो में हम बांटेंगे? ओल्ड रेशियो में बांटेंगे। किस रेशियो में? तो ये दो बातें ध्यान में रखने वाली बात है कि हम ओल्ड रेशियो में बांटते हैं और दूसरा कैपिटल अकाउंट में बांटते हैं हम, ठीक है। तो एक बार आप इसे उतार लीजिए, उतार लिया। अब इसमें एक विशेष नोट लिखिए, चलिए। तो इसमें देखिए एक नोट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व के लिए क्या करना है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से अगर कोई क्लेम होगा तो उसको हम माइनस करेंगे। सर जब से आप वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कह रहे हैं, ये है क्या चीज़ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? सुनिए, मान लीजिए कि ये कोई फैक्ट्री है, ठीक है, ये कोई फैक्ट्री है। इस फैक्ट्री में ये सोहन नाम का, ये सोहन नाम का कोई आदमी काम करता है। अब काम करते करते इसका एक हाथ कट गया, देखिए एक हाथ कट गया, अब ये रोने लग गया, ठीक है, ये रोने लग गया। पता है क्यों रो रहा है? अब ये सोच रहा है कि मेरा एक हाथ कट गया है, अब मैं काम कैसे करूँगा? काम नहीं करूँगा तो मेरा घर कैसे चलेगा, क्या होगा? तो पता है कंपनी आके इसको कहती है कि बेटा रो मत, ये लो रो मत, तुम ना हंसो हंसो, ठीक है, और तुम्हें ये हाथ कटने के लिए जो भी रकम होगी ना वो रकम हम देंगे, तुम्हारी ज़रूरत का हम ख्याल रखेंगे और तुम्हें एक विशेष रकम देंगे। कुछ भी दे सकते हैं, वो एक अलग बात है, उस चीज़ में मैं नहीं जा रहा हूँ, वो आपका लॉ का सब्जेक्ट है। जब आप आगे चल करके बिजनेस लॉ पढ़िएगा और फैक्ट्री एक्ट और कंपनी डिस्प्यूट एक्ट पढ़िएगा तो उसमें आपको पता चलेगा कि कंपनसेशन क्या होती है, ठीक है। कभी भी, खैर वो बात अलग है, जितनी भी कंपनसेशन मिलेगी वो इसे दिया जाएगा, ठीक है, इसे क्या दिया जाएगा? कंपनसेशन, क्योंकि काम करते समय इसका हाथ कट गया था या कोई भी डैमेज हो जाता है, ठीक है, किसी वर्कर को कोई डैमेज हो जाती है तो कंपनी की तरफ से कुछ दिया जाता है। जो दिया जाता है ना वो अब कंपनी अपने जेब से नहीं देना चाहती, वो क्या करती है, उसका कुछ रिजर्व बना के रखती है, पहले से कुछ रकम बचा के रखती है कंपनी, कि अगर कल को कोई भी इस प्रकार की कोई बात हो जाती है तो हम उसी रिजर्व में से उस पैसे को उठा के दे देंगे। तो अगर कोई फर्म उस प्रकार का कोई रिजर्व बनाती है तो उसे ही कहते हैं हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। क्या कहते हैं? हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। अब देखिए, मान लीजिए कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बनाई है, हो सकता है फर्म में काम करते हुए किसी का हाथ कट गया हो, और हाथ कट गया हो तो उसको पैसे देने पड़ेंगे। तो जितना रिजर्व बनाया है पहले तो उतने में से हम उस क्लेम को, क्लेम मतलब जितना देना पड़ा उसको माइनस कर देंगे। बात समझ में आ रही है? मान लीजिए 1,00,000 का रिजर्व बनाया है, मान लीजिए कि रिजर्व कितने का बना है, 1,00,000 रुपये का बना है, और किसी कर्मचारी को 30,000 रुपये देने पड़ गए। कितने देने पड़ गए? 30,000 रुपये देने पड़ गए। अब कंपनी के पास कितना बच गया? 70,000। कंपनी के पास कितना बच गया? 70,000। तो ये जो 70,000 बचा है ना, ये बटेगा। बात समझ में आ रही है? जितना रिजर्व होगा उस रिजर्व में से क्लेम को हम माइनस कर देंगे, क्लेम माइनस करने के बाद जो बचेगा वो हम बांटेंगे। कैसे बांटेंगे? देखिए, क्लेम करके माइनस करने पे 70,000 आया ना, प्लस का आया है, तो अगर प्लस का आएगा तो एंट्री होगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, मान लीजिए दो पार्टनर हैं तो
टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बस समझ में आ रही है? अगर आंसर प्लस में आया, आपने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से क्लेम को माइनस किया, जब क्लेम को माइनस किया जो आंसर आया वो प्लस आ रहा है, प्लस में कोई संख्या आ रही है, तो हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। समझ में आ रही बात? जी सर समझ में आ रही है। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है सर कि रिजर्व तो 1,00,000 का बनाया था लेकिन हमें देना पड़ गया 1,50,000। कितना देना पड़ गया? 1,50,000 देना पड़ गया। तो ये 50,000 का लॉस हो गया ना सर? जी ये तो लॉस हो गया। अब ये बटेगा नहीं, माइनस में आ गया ना आंसर। अब मैं यही बता रहा था, मैं यही बताने वाला था कि आंसर प्लस में आ गया जब तो कोई दिक्कत नहीं, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने भी पार्टनर होंगे टू कैपिटल अकाउंट, है ना। अब मान लीजिए मैंने एग्जांपल में दो लिया है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। अगर यही आंसर माइनस में आ रहा है, जैसे 1,00,000 का रिजर्व था और 1,50,000 का क्लेम था, माइनस 50,000 हो गया, तो हम क्या करेंगे, अगर माइनस में आएगा तो हम क्या करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, ठीक है, या वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट कर दो, या इसको डायरेक्ट आप लोग क्या करो, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में ये ट्रांसफर कर देंगे हम। तो कैपिटल अकाउंट में डायरेक्ट ट्रांसफर करने के लिए क्या करते हैं हम, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है, डायरेक्ट कैपिटल अकाउंट में कर दो, कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बात समझ में आ रही है? जी सर समझ में आ गई। अगर आंसर नेगेटिव आया तो कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आंसर पॉजिटिव आया तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल अकाउंट वाई कैपिटल अकाउंट। बस समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। तो इसे एक बार उतारना चाहेंगे? जी सर एक बार उतारना चाहेंगे। चलिए उतार लीजिए। उतार लिया? जी सर उतार लिया। ये तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था। अब हम देखते हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का क्या करना है। अब देखिए नोट नंबर टू, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड क्या करना होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड में दो बातें देखते हैं हम, इन्वेस्टमेंट को, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड की जब बात करेंगे तो सबसे पहले हम देखेंगे इन्वेस्टमेंट को। किसको देखेंगे हम? इन्वेस्टमेंट को देखेंगे, ठीक है, इन्वेस्टमेंट को देखेंगे। इन्वेस्टमेंट में दो बातें होंगी, एक तो होगी बुक वैल्यू। बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है? जो आपके बैलेंस शीट में होता है, जो आपके बैलेंस शीट में लिखा होता है उसको हम कहते हैं बुक वैल्यू। और एक होता है मार्केट वैल्यू, जो कि मार्केट में होता है। मतलब सर समझ में नहीं आया, सुनिए। मान लीजिए कि आपने कहीं पर कुछ पैसे लगा रखे हैं, आपने कहीं इन्वेस्ट कर रखा है पैसा, इन्वेस्टमेंट कर रखा है 1,00,000 रुपये, ठीक है, आपने शेयर्स खरीदे, मान लीजिए 1,00,000 रुपये के शेयर्स खरीदे हुए हैं। अब कुछ समय बाद, अब आपने जैसे ही 1,00,000 के शेयर्स खरीदे, आपने अपने बैलेंस शीट में, आपने अपने बैलेंस शीट में ये 1,00,000 रुपये दिखा दिया। अब मार्केट में इसकी वैल्यू मान लीजिए 1,50,000 भी हो सकती है, हो सकता है मार्केट में इसकी वैल्यू 50,000 भी हो सकती है, कुछ भी हो सकती है। जी सर कुछ भी हो सकती है। हम कोई सामान खरीदें तो हम इन्वेस्टमेंट में दिखाएंगे 1,00,000, लेकिन मार्केट में वैल्यू तो अलग हो सकती है ना। हम तो दिखाते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। 11th क्लास में आप लोगों ने पढ़ा है कि बैलेंस शीट में जो भी रकम लिखी जाती है वो सब हिस्टोरिकल कॉस्ट पे। तो हम जितने में खरीदेंगे हम तो उतने में दिखाएंगे, चाहे कभी भी दिखाएं। लेकिन मार्केट में तो फ्लक्चुएशन होता रहता है, मार्केट में तो वैल्यू बदलती रहती है। मान लीजिए कि हमने 1,00,000 में खरीदा था और मार्केट में उसकी कीमत हो गई 1,50,000 रुपये, हो सकता है हमने 1,00,000 में खरीदा था, मार्केट में उसकी कीमत हो गई 50,000 रुपये, हो सकता है। जी सर। तो ये होती है बुक वैल्यू, जो हमारी बैलेंस शीट में होती है, और ये हमारे क्या होती है, मार्केट वैल्यू। सर क्वेश्चन में कैसे पता चलेगा मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू? सर जो बैलेंस शीट में लिखा होगा वो 1,00,000, या आपको डायरेक्ट बता देगा कि बुक वैल्यू ये है, और अलग से बताएगा कि मार्केट वैल्यू ये है, ठीक है। तो हम इन्वेस्टमेंट में, इन्वेस्टमेंट देखिए हम काम कर रहे हैं इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का, लेकिन हम चेक किसको करेंगे, पहले इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे। हम फंड को चेक नहीं करेंगे, हम इन्वेस्टमेंट को चेक करेंगे। इन्वेस्टमेंट चेक करेंगे, उसमें हमें बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू दी गई होगी। तो देखिए क्या होगा, सबसे पहला केस नंबर वन,
केस फर्स्ट ये होगा कि हो सकता है कि मार्केट वैल्यू जो हो बुक वैल्यू से कम हो। क्या हो सकता है? मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम हो सकता है। जैसे देखिए, हमने 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किया था और मार्केट में इसकी वैल्यू 50,000 है, तो मार्केट वैल्यू क्या है? कम है ना। बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू क्या है? कम है। तो देखिए हम क्या करेंगे, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से कम होगी तो हम बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू घटा देंगे। बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू क्या करेंगे, हम घटा देंगे, कुछ अमाउंट आ जाएगी। यहाँ हम घटा देते हैं, देखिए 1 लाख रुपये बुक वैल्यू थी, 50,000 मार्केट वैल्यू था, हम घटा देंगे। अगर अगर हम 1 लाख में से 50,000 घटा देंगे तो कितना आ जाएगा, 50,000। 1 लाख में से 50,000 घटा दिया, कितना आ गया, 50,000। देखिए हमने यही किया था, बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू घटा देंगे, कोई अमाउंट आ जाएगी। अब ये जो अमाउंट है, इस अमाउंट को हम अपने फ्लक्चुएशन फंड में से माइनस कर देंगे। ये जो बुक वैल्यू माइनस मार्केट वैल्यू करने पर जो अमाउंट आएगी, उसको हम अपने फंड से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से माइनस कर देंगे। मान लीजिए कि कंपनी ने फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है 1.5 लाख का। फ्लक्चुएशन फंड कितना का बना रखा है, 1.5 लाख का। इन्वेस्टमेंट में से मार्केट वैल्यू हमने माइनस कर दी, बुक वैल्यू में से मार्केट वैल्यू माइनस कर दी, जो आई उसको हम अपने फंड में से माइनस कर देंगे। उसको हम किस में से माइनस कर देंगे, फंड में से, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। ये फंड बनाया ही इसीलिए जाता है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव आते हैं ना, उस उतार चढ़ाव को रिकवर कर सके, उस उतार चढ़ाव को रिकवर कर सके। इसका मतलब ही यही होता है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड का मतलब होता है कि मार्केट में जो उतार चढ़ाव आता है इसे हम कवर कर सके। तो ये जो 50,000 हमने इन्वेस्ट किया था, 1 लाख, मार्केट वैल्यू 50,000, तो हमें 50,000 का लॉस हो गया ना। हम 1 लाख रुपये का शेयर खरीदे, मार्केट में बेचने जाए तो उसके हमें सिर्फ 50,000 मिले। हमने खर्च किए थे 1 लाख, शेयर खरीदा 1 लाख में, मार्केट में बेचने गए तो हमें मिला मात्र 50,000, तो 50,000 का लॉस हो गया। ये लॉस हम कैसे कवर करेंगे, ये लॉस हम अपने जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना रखा है ना, उस फंड में से कवर करेंगे। तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड मान लीजिए हमने 1.5 लाख का बनाया था, इसमें से जो लॉस हुआ उसे कवर कर लेंगे हम पहले। तो 1.5 लाख में से जो लॉस हुआ 50,000, उसमें माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा, 1 लाख आ जाएगा। ये 1 लाख को, देखिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड को जो ये अमाउंट आएगी, उस अमाउंट को माइनस करेंगे, यहाँ माइनस करने पर एक अमाउंट आएगी, मैंने ABC मान लिया है उस अमाउंट को, इस अमाउंट को हम बांट देंगे, इस अमाउंट को हम बांट देंगे, ठीक है। तो जनरल एंट्री हो जाएगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू, अब मान लीजिए दो पार्टनर है तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट, किस में बटेगी, ओल्ड रेशियो में। ये तो जनरल बात तो मैं पहले ही बता दिया था, ठीक जी सर, ठीक। एक बार उतार लो इसको पूरे को, उतार लिया जी सर, उतार लिया। अब देखिए केस नंबर टू देखिए। अब मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से बड़ी हो जाए, मार्केट वैल्यू जो है वो बुक वैल्यू से क्या हो जाए, बड़ी हो जाए। मतलब हमने इन्वेस्ट किया 1 लाख, जब हम मार्केट में गए इसको बेचने के लिए तो हमें मिल गया 1.5 लाख, हमें कितना मिल गया, 1.5 लाख। ये हमारी बुक वैल्यू थी, ये हमारी, इसको मैं अच्छे से लिखता हूँ समझाने के लिए, हमारी बुक वैल्यू थी जब हम खरीदे थे, जो हमारे बैलेंस शीट में है वो है 1 लाख, ठीक। जब हम मार्केट में बेचने गए तो मार्केट वैल्यू जो थी वो थी 1,30,000, थोड़ा सा मैं अलग अमाउंट ले लेता हूँ, 1,30,000। हमारे पास सम इन्वेस्टमेंट कितने का था, 1 लाख का, जब हम मार्केट में बेचने गए तो कितने का बिका, 1,30,000 का। तो यहाँ पर मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू से ज़्यादा है, मार्केट वैल्यू क्या है, बुक वैल्यू से ज़्यादा है। तो केस नंबर टू में यही कह रहा हूँ कि अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा रहेगी, अगर मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू से ज़्यादा होगी तो हमें क्या करना होगा, मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू को माइनस कर दोगे, मार्केट वैल्यू से बुक वैल्यू को माइनस करोगे, प्रॉफिट हो गया ना। देखिए 1.5 लाख, 1,30,000 थी, 1 लाख, तो अब 1,30,000 में से 1 लाख माइनस कर देंगे, 1,30,000 से 1 लाख माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा सर, कितना आ जाएगा, 30,000, ये आ जाएगा हमारा 30,000। अब ये जो 30,000 आएगा, उसको हम पहले से जो हमारा इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बना हुआ है,
इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने बनाया था ना, मान लीजिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हमने 1.5 लाख बनाया था पिछले एग्जाम्पल में, हम क्या करेंगे, जो ये फंड है इसमें ये जो प्रॉफिट आई है इसको हम प्लस कर देंगे। यहाँ 30,000 की प्रॉफिट आई है ना, इस फंड में इस 30,000 को हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे। तो कितना आ जाएगा, 1,80,000। कितना आ जाएगा, 1,80,000। इस 1,80,000 को हम बांट देंगे। जनरल एंट्री क्या होगी, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू, दो पार्टनर हैं तो टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। बस समझ में आ गई? जी सर समझ में आ गई। चलिए तो इसे भी उतार लीजिए, केस नंबर 2 भी। उतार लिया? जी सर उतार लिया। अब देखिए केस नंबर थ्री। ऐसा भी तो हो सकता है कि मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों क्या हो, बराबर हो। हाँ हो सकता है। मान लीजिए कि हमारे पास बुक वैल्यू, हमने जो इन्वेस्टमेंट कर रखी है वो है 1,00,000 की, ठीक। जब हम मार्केट में बेचने गए, मार्केट वैल्यू तो भी बिका 1,00,000 का, कम में बिकता तो लॉस, और उसको हम माइनस करके इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से माइनस कर देते तब बांटते, अधिक में बिक गया तो प्रॉफिट, उसे फ्लक्चुएशन फंड में प्लस कर दिए तो बांटे। अब अगर दोनों बराबर है, बराबर रेट पे चली गई तो क्या करेंगे, मतलब बुक वैल्यू और मार्केट वैल्यू सेम होगी तो कुछ भी नहीं करेंगे, सिंपल इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड जितना भी होगा उस पूरे को हम बांट देंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट टू वाई कैपिटल अकाउंट। कुछ भी नहीं करना, कुछ भी प्लस माइनस नहीं करना। मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू अगर बराबर होगा तो जितना भी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड होगा उसे हम बांट देंगे, किसमें, ओल्ड रेशियो में। बस समझ में आ गई? जी सर उतार लीजिए इसको एक बार। अच्छा एक बात और ध्यान रहे, हो सकता है क्वेश्चन में इन्वेस्टमेंट ही ना दे। अगर इन्वेस्टमेंट ही नहीं देगा तो मार्केट वैल्यू बुक वैल्यू कुछ करना ही नहीं है, तब भी सिंपल यही इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर मार्केट वैल्यू नहीं देगा तब भी यही करना, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। सर 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 एक बात तो आपने बताई नहीं, क्या पूछो। सर अगर मान लीजिए ये उतार लिया है ना पहले, जी सर उतार लिया, हाँ अब पूछो। देखिए अगर मान लीजिए जैसे आप कह रहे थे कि मार्केट वैल्यू कम है, ठीक है, मार्केट वैल्यू कम है और ये जब हमारा माइनस किया, जब हमारा मार्केट वैल्यू कम होगा तो हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। जी हाँ हम माइनस करेंगे। हम क्या करेंगे, हम बुक वैल्यू से मार्केट वैल्यू को माइनस कर देंगे। जी सर और हमारा एक अमाउंट आ जाएगा। जी सर अब इसके बाद आपने बताया कि जो ये अमाउंट आएगा इसको हम इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड जो होगा उस फंड से माइनस करेंगे तो एक अमाउंट आ जाएगा। जी आपने इसके एग्जांपल भी दिया था, हाँ जी दिया था, आपने कहा था कि 1,00,000 बुक वैल्यू है और मान लीजिए कि मार्केट वैल्यू 30,000 है, मार्केट वैल्यू 30,000 है। अब एक बात बताइए सर, यहाँ एक क्वेश्चन आ रहा है कि आपने कहा था कि फ्लक्चुएटिंग फंड से जो यहाँ इन दोनों को माइनस करने पे आएगा उसको फ्लक्चुएटिंग फंड से हम माइनस करेंगे। जी हमने कहा था और उसके बाद हम ये एंट्री करेंगे। जी मैंने ये कहा था। अब मान लीजिए कि फ्लक्चुएटिंग फंड जो है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएटिंग फंड, ये अगर 1,50,000 का है, जब तो कोई दिक्कत नहीं, 1,50,000 में से ये 1,00,000 माइनस 30,000 कितना आ जाएगा, 70,000। तो हम 1,50,000 में से 70,000 माइनस करेंगे और जो हमारा आ जाएगा कितना आ जाएगा, 80,000। इस 80,000 को हम बांट देंगे। जी मैंने यही कहा था। कैसे बांटेंगे, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अब यहाँ क्वेश्चन ये आता है कि मान लीजिए कि जो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है
ये बना ही 70,000 के लिए है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है ही कितना, 70,000। फिर तो यहाँ आने पे जीरो। अब क्या करेंगे? तो जाहिर सी बात है सर, कॉमन सेंस की बात है, जब फ्लक्चुएटिंग फंड बचा ही नहीं, जीरो हो गया, तो एंट्री होगी नहीं, फिर तो ये एंट्री ही नहीं होगी। बात समझ में आ रही है? फिर ये एंट्री नहीं होगी। यहाँ पर फ्लक्चुएटिंग फंड जितना बचा उतना ही इन दोनों को माइनस करने पे बचा, तो दोनों माइनस कर देंगे हम। यहाँ पर जो फॉर्मूला है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से, जो अमाउंट माइनस करना है अगर उस अमाउंट के बराबर ही है, तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड बचा ही नहीं। जब बचा ही नहीं तो उसकी कोई एंट्री ही नहीं करेंगे। ठीक है सर, ये भी बात समझ में आ गई। अब मान लीजिए कि फ्लक्चुएटिंग फंड जो है वो था 40,000 का और यहाँ लॉस 70,000 का है। अब तो आंसर माइनस में आ रहा है, अब तो आपका आंसर माइनस में आ रहा है, अब तो और लॉस हो गया ना सर, आपको अपनी जेब से देना पड़ गया जी। अब एंट्री क्या करेंगे? वही जो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में करते थे माइनस में। क्या करते थे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में? हम अब हम क्या करेंगे, हम लिख देंगे कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब जितने पार्टनर होंगे कि उतने पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट, मान लीजिए दो पार्टनर हैं तो एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, तीन पार्टनर हैं एक्स कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट, जेड कैपिटल अकाउंट, तीनों को डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अगर माइनस में आ गया तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की तरह करेंगे जी। सर अब बात समझ में आ गई, सारी बात क्लियर होगी, होगी ना क्लियर? चलिए ठीक है सर, एक दो क्वेश्चन में भी समझा देते ना तो ज़्यादा अच्छा रहता। ठीक है, एक दो क्वेश्चन में भी मैं समझा देता हूँ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 26, 26वां, ए एंड बी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 2:3। ए और बी दो पार्टनर्स हैं, वो अपने प्रॉफिट और लॉस को किस में बांटते हैं? 2:3 में बांटते हैं। डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉस इक्वली। और वो ये डिसाइड करते हैं कि पहले 2:3 में बांटते थे, अब वो डिसाइड कर रहे हैं कि अपने प्रॉफिट को फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे। इक्वली जहाँ भी बोलेगा तो इसका मतलब रेशियो क्या होगा? 1:1। कब से? विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2018, 1 अप्रैल 2008 से। एन एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, बैलेंस शीट का एक छोटा सा अंश दिया हुआ है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिख रहा है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 40,000। देखिए पुराना रेशो 2:3 था, नया रेशो 1:1 है, और वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना दिया हुआ है? 40,000 दिया हुआ। आगे, सो द अकाउंटिंग ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। अलग अलग केस दिया हुआ है, उस केस पर आपको अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करनी है। जैसे पहला केस था, इफ देर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, और कोई भी बात नहीं दी गई है, बस बहुत आसान। अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000 है और कोई बात नहीं दिया गया तो हम क्या कर देंगे? 40,000 को ओल्ड रेशो में बांट देंगे। सिंपल, कोई भी बात नहीं दी गई, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है तो हम क्या करेंगे? केस फर्स्ट क्या हो जाएगा? हम लिखेंगे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। ऐसा है ना, मैं थोड़ा शॉर्टकट लिखता हूँ ताकि पूरा बोर्ड में आप लोग को दिखा सकूँ अच्छे तरीके से, है ना। बड़ा बड़ा लिखूँगा तो आपको पता है कि टेक्निकल बॉयज़ तो है नहीं, मैं खुद ही रिकॉर्ड भी कर रहा हूँ और खुद ही लिख भी रहा हूँ तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैं शॉर्टकट लिख रहा हूँ, आप पूरा पूरा समझ लीजिएगा। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू, दो पार्टनर्स थे, कौन कौन से थे? ए और बी, ए और बी। क्वेश्चन नंबर 26, ठीक है, ए और बी थे तो हम क्या लिखेंगे? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट, टू बी कैपिटल अकाउंट।
ठीक है, ए कैपिटल अकाउंट टू बी कैपिटल अकाउंट। कितना था वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व? सर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व था 40,000। 40,000 ओल्ड रेशो कितना था? 2:3 था। हम क्या करेंगे, 40,000 को 2:3 में बांटेंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो था 40,000, ठीक है, ए और बी में बांटने के लिए 2:3 में, तो 40,000 2:3 तो मतलब 2 और 3 5, 5 से भाग करेंगे तो 8,000। तो ए के लिए 2:3 2 से गुणा करेंगे हम 16,000 और 3 से गुणा करेंगे तो 24,000, ठीक है। ये वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए कैपिटल अकाउंट टू टू बी कैपिटल अकाउंट। कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दिया गया, सिंपल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को बांट दिया ओल्ड रेशो में। किसमें बांटा? ओल्ड रेशो 2:3 में बांट दिया, ठीक है जी सर। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा था? If a claim on account of workmen compensation is estimated 25,000, कितने का क्लेम है? क्लेम है 25,000 का जी सर। तो ये तो आता है सर, अभी अभी आपने बताया था कि अगर क्लेम होगा तो हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से माइनस कर देंगे। केस नंबर 2, केस नंबर 2 हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से क्लेम को माइनस कर देंगे। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 40,000, क्लेम 25,000, माइनस कर दो। बताओ 40,000 में से 25,000 जाएगा तो कितना आ जाएगा सर? 15,000, 15,000 आ गया। अब इस ये जो बच गया 15,000 क्लेम घटाने के बाद, इसे बांट दो, इस 15,000 को बांट दो और आंसर वही सिंपल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू ए टू बी। जरूरी नहीं है मैं कैपिटल अकाउंट लिखूं भी, टू ए और टू बी से भी मैं काम चला सकता हूँ। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट अब कितना आ जाएगा? 15,000, और ए और बी को हम बांटेंगे तो कितना आ जाएगा? 2:3 में, 2:3 5 से भाग कर देंगे 3,000, तो ये आ जाएगा 6,000 और 9,000, ठीक, 2:3 में बांट दिया। बात समझ में आ गई? क्लेम होता है तो उसको हम माइनस करके करते हैं जी सर। समझ में आ गई, उतार लो इसे एक बार, केस फर्स्ट उतार लो, केस टू उतार लो सर। एक इन्वेस्टमेंट वाला भी क्वेश्चन करवा देते जी, जरूर एक इन्वेस्टमेंट वाला भी क्वेश्चन देख लो। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 देखिए क्या दिया हुआ है। ए बी एंड सी शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो ऑफ 4:3:2। ए बी सी तीन पार्टनर हैं, अपने प्रॉफिट लॉस को किस रेशियो में बांटते हैं? 4:3:2 में। डिसाइड टू द प्रॉफिट एंड लॉस, डिसाइड टू शेयर प्रॉफिट एंड लॉस इन द रेशियो 2:3:4। अब वो डिसाइड करते हैं कि 1 अप्रैल 2008 से वो अपने प्रॉफिट को किसमें बांटेंगे? 2:3:4 में। ओल्ड रेशियो है 4:3:2 और न्यू रेशियो है 2:3:4। फॉलोइंग इज एक्सट्रैक्ट ऑफ देयर बैलेंस शीट, ये उसका बैलेंस शीट दिया हुआ है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 54,000 का, और इन्वेस्टमेंट देखिए कॉस्ट पर दिया हुआ है कितना? 6,00,000 का। फ्लक्चुएटिंग रिजर्व कितना है? 54,000 और इन्वेस्टमेंट दिया हुआ है 6,00,000 का। इन्वेस्टमेंट 6,00,000 का, पहले तो हमें इन्वेस्टमेंट देखना है और रिजर्व को बाद में देखना है। इन्वेस्टमेंट है 6,00,000 का। सो द अकाउंट ट्रीटमेंट अंडर द फॉलोइंग अल्टरनेटिव केसेस। पहला, इफ देयर इज नो अदर इन्फॉर्मेशन, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कुछ भी नहीं करना, इन्वेस्टमेंट को नहीं करना। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 54,000 है, 54,000 को ओल्ड रेशियो में बांट दो 4:3:2। केस फर्स्ट में कुछ भी नहीं करना, देखो पहला केस हम कुछ भी नहीं करेंगे। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड अकाउंट डेबिट टू ए टू बी और टू सी। फ्लक्चुएशन फंड कितना था? 54,000 का।
कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, तो पूरा 54,000 हम किस रेशो में बांट देंगे? सर 4:3:2 में, यही था ना, 4:3:2, तो 3 2 5 और 4 9, 9 6 54 54 9 6 6 6 आ जा, तो 6 6 24, तो ए आ जाएगा कितना, ए आ जाएगा 24,000, 6 3 18, बी आ जाएगा 18,000 और सी आ जाएगा 12,000। बस कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दिया गया, इन्वेस्टमेंट उठाए और उसको ओल्ड रेशो में बांट दिए। मैं बार बार बता रहा हूँ, बांटेंगे तो ओल्ड रेशो में ही बांटेंगे, ठीक है जी सर? उतार लिया जी सर। अब आगे देखिए, सेकंड इन्फॉर्मेशन, सेकंड केस क्या कर रखा था, सेकंड केस कह रहा है इफ़ मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट इज 6 लाख, कहा ना मार्केट वैल्यू भी कितनी है 6 लाख, कॉस्ट भी 6 लाख, मार्केट वैल्यू भी 6 लाख, मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू सेम है, तब भी कुछ नहीं करना, यही करना है, यही आपका आंसर है दूसरे का भी, तीसरे में, तीसरे केस में क्या कह रहा है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 5,91,000। अब देखिए मार्केट वैल्यू कम हो गई ना, 5,91,000 थी कितनी की, 6 लाख थी, मार्केट वैल्यू 5,91,000 हो गई, तो 6 में से 5,91 माइनस कर दो कितना आ जाएगा 9 लाख, 6 लाख में से 5,91,000 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 9 लाख, तो अब जितना बच गया 9 लाख उसको इस 9,000 बच गया ना, इन्वेस्टमेंट था 6 लाख का और मार्केट कॉस्ट हो गई 5,91,000, 9,000 बच गया, 6 लाख में से 5,91,000 हम माइनस कर देंगे तो 9,000, तो ये जो 9,000 जो बच गया उसको तो पहले इसमें से माइनस करो, क्योंकि मार्केट वैल्यू कम थी, मार्केट वैल्यू कम होती है तो माइनस करते हैं हम, 54,000 में से 9,000 माइनस कर दो तो कितना आ जाएगा सर, ये आ जाएगा 45,000, कितना आ जाएगा 45,000। अब इस 45,000 को बांट दो, 45,000 को 4:3:2, 9 5 45, 9 9 4 36,000, 9 4 36,000, 9 3 27,000 और 9 2 18,000, ठीक है। सबसे पहले मार्केट वैल्यू कम थी, देखिए मार्केट वैल्यू कम थी तो हमने मार्केट वैल्यू को इधर बुक वैल्यू से माइनस किया, जितना आया उसको हमने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से भी माइनस कर दिया, ठीक है। अब माइनस करने के बाद जो बच गया उसको बांट दिया, जी सर समझ में आ गया, आ गया ना समझ में, ये आपका तीसरा केस था जी सर। अब तो कर लोगे क्वेश्चन सारे जी सर, चलिए ठीक है, तो अब सारे क्वेश्चंस आप लोग कीजिएगा आगे के, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।